हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पलताज फूड जंक्शन। तो आज मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप उसके बच्चों को देंगे टिफ़िन में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से और आपके टिफ़िन को वो खाली कर आएंगे। तो चलिए उसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन में पानी लिया है, उसको बॉयल होने के बाद उसमें मैंने अजवाइन डाला है, कलौंजी डाला है और नमक और मिर्च पाउडर। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो आप मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हो। और इसमें है जो चावल का आटा डाल के कुछ देर तक इसको है जो छोड़ देना है। और इसमें मैंने थोड़े से है जो बटर भी डाला है। तो ये चावल के आटे को आप गरम गरम ना गूंदे, इसको डाल के मिक्स करके इस पानी में और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब वो ठंडा हो जाए तो इसको बहुत ही हल्के हाथों से आप आटा जैसा है जो आप डो लगा लें इसका। और इसको आटा का डो लगाने के बाद उस जैसा फिर आप इसको भी कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए आप छोड़ दें। तो ये जो मैं बनाने जा रही हूँ उसे राइस बॉल बोलते हैं। तो ये राइस का आटा का है और इसको है जो छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। तो उसके लिए स्टीमर मैं रेडी कर रही हूँ। तो स्टीमर के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और उसके बर्तन को है जो ग्रीस कर लिया है। तो इधर मैंने आटा भी रेडी हो चुका है, तो इसमें हाथों को मैंने थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो उससे भी आप बॉल्स बना लें। तो मेरे इसी तरह जो छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। अभी हमारा स्टीमर रेडी हो चुका है, गर्म हो चुका है, तब उसमें है जो सारे बॉल्स को डाल देंगे। और इस बॉल्स को आपको करीब करीब 10 से 15 मिनट लग जाएंगे स्टीम होने में। तो ये जब स्टीम होकर निकलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा, जब आप इसको दोनों उंगलियों से दबाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी लगता है। तो आप ये अभी मैं चेक करती हूँ कि मेरे बॉल्स जो रेडी हो गए हैं कि नहीं। तो मैं वही हाथों से चेक कर रही थी तो थोड़ा हाथ जल गया। तो बी केयरफुल, और आप है जैसे स्पून या फोक की मदद से ही चेक करें, हाथ से ना करें। तो हमारे ये राइस बॉल्स है जो रेडी हो चुके हैं। तो अभी उसको थोड़ा तड़का लगाना है। तो अभी मैंने गरम तेल में जीरा डाला है, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग, और मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको बारीक है जो चॉप कर लिया है। और उसके बाद उसको इसमें डाल के इसको ब्राउन होने तक भून लेना है। अगर आपके बच्चे कुछ वेजिटेबल्स है जो स्पेसिफिक वेजिटेबल्स जो पसंद करते हैं आप इसमें है जो ऐड कर सकते हो। बहुत अभी ठंडी का सीज़न है तो अभी ग्रीन पी है जो मस्त फ्रेश आता है, तो आप उसको भी इसमें है जो ऐड कर सकते हो। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी या फिर अपने बच्चों की पसंद की कोई भी सब्ज़ी आप इसमें डाल के है जो ऐड कर सकते हो। तो मेरे बच्चे जो सारे से वेजिटेबल्स है जो निकाल देते हैं तो मैंने इसमें नहीं डाला है। उसके बाद ये हमारे प्याज है जो ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें सारे राइस बॉल्स को मैंने डाल दिया है। अब इसको 2-3 मिनट तक है जो इसको ऐसे ही इसको ढक ढक के थोड़ा भूनना है। और इसमें है जो अभी नमक नहीं डालना है, क्योंकि मैंने जब राइस और का आटा रेडी कर रही थी उस टाइम मैंने जो इसमें नमक डाल दिया था पहले ही, तो अब इसमें नमक नहीं डालना है। तो इस तरह जो आपको भून लेना है। और ये हमारे है जो फ्लफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट राइस बॉल्स है जो रेडी हो गए हैं। तो आप इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में दें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट से खाएंगे। और इसमें थोड़े से धनिया पत्ता से और फ्रेश धनिया पत्ता से गार्निश कर दें। तो आप देख सकते हो ये कितना मस्त है जो देखने में लग रहा है, और खाने में 100% श्योर कि आप बनाएं। और अब इसको आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप देख रहे हो कि कितना मस्त इसका कलर आया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अपने बच्चों के टिफ़िन में दें, आप वो बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट से खाएंगे। और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई